दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। एसएससी जीडी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि सबसे ज़्यादा अभी जो कट ऑफ कितना गया था सर पिछली बार, अभी कितना जा सकता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी के पूछ रहे हैं बच्चे। देखो, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप जान लो। ये आपका जो है वो, जैसे बोलते हैं ना कि कंपेयर अगर अपना करो तो पिछली बार कितना स्कोर था या पिछली बार जो सिलेक्शन लिए थे वो कितना स्कोर करके सिलेक्शन लिए थे, उसके हिसाब से आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो पे आप जाके चैनल पे ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप पीडीएफ में ही देखना चाहते हो सिंपल, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और अबाउट सेक्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, आप जाके जुड़ सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ डाल देंगे, पहले भी डाला हुआ था फिर वापस से डाल देंगे। इसके बाद बात करेंगे सबसे ज्यादा कट ऑफ कहाँ पे जा सकता है। तो देखो, इससे पहले 2024 जो है वो आपके लिए नियुक्ति वर्ष की तरह है, आप इसका पूरा लाभ लीजिए। ठीक है, दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा, अगर मौका मिलता है तो शायद एज नहीं बचेगा, और अगर एज बचेगा तो आप हमेशा आपकी तैयारी जो है वो पिक पे नहीं रहेगी। ठीक है, तैयारी और वक्त का एक हमेशा तालमेल सही होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है। इसके बाद करेंगे कि स्टेट में कंपटीशन कैसा था। देखो, कंपटीशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बढ़ती आबादी के साथ जैसे महंगाई भत्ता और महंगाई दर जैसे बढ़ता रहता है ना, वैसे कंपटीशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ता रहेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए ये है कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसको देखने के बाद उसके अनुसार अपने आप को स्कोर करने की कोशिश करिए। जब इतना स्कोर होने लग जाए, कम से कम थोड़ा एक दो नंबर ज़्यादा कम है तो ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी है आपके पास 40 दिन, इतना प्रीवियस ईयर को करिए, इतना करिए और इतना प्रैक्टिस करिए, इतना डिस्कशन करिए, इतना रिविजन करिए, और जो गलती हो उसको इतना रिविजन करिए कि मतलब कुछ छूटे ना, है ना। जैसे हम जब भी तैयारी करते थे तो बोलते थे दाना दाना एक समान कर देंगे, है ना। ठीक है, तो आपको ऐसे मेहनत करना पड़ेगा कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मैथ मेरा कमजोर है। ठीक है, अगर स्टेट में बहुत कम कट ऑफ जाता है तो आप थोड़ा मतलब इस बात के लिए रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे कट ऑफ जो पिछली बार कम जा रहा है पिछली बार से, वहां पे आपको कट ऑफ जो है इस बार बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वहां जहां पे कट ऑफ ज्यादा है वहां पे कट कम बढ़ने की संभावना कम होती है। मान लो कि जहां 144 45 या 40 गया है वहां पे 155 50 होने में बहुत मुश्किल हो सकता है ना, क्योंकि स्कोर बढ़ा होने के बाद 90 से 95 स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी का 80 है, 60 है, 75 है, तो उसको 90 तक पहुंचाना, 75 तक पहुंचाना, 60 वाले को 80 को 85 तक पहुंचाना आसान होता है। तो कट ऑफ जो है जिन राज्यों में ज़्यादा गया था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ऐसा कोई संभावना नहीं है। आप उतना स्कोर कर रहे हो मतलब अपने आप को सेफ समझिए आप। ठीक है, और अभी 40 दिन आपके पास टाइम है, सेट प्रैक्टिस करते रहिए। और जहाँ पे कट ऑफ कम गया था, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कुछ राज्य हैं जहाँ गुजरात है, ठीक है, या साउथ में कुछ स्टेट है, तो उन राज्यों में कट ऑफ बढ़ सकता है। इसके दो कारण है, एक तो माइग्रेशन के वजह से हो रहा है, दूसरा जहाँ पे कट ऑफ कम होता है वहाँ पे कट ऑफ बढ़ता है इसलिए भी है क्योंकि हर साल जैसे महंगाई बढ़ता है उस वर्ष उस तरह से कट ऑफ का कंपटीशन बढ़ने से कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना पिछली बार आया था, जिन राज्यों में कट ऑफ कम है वहाँ की बात कर रहा हूँ, उससे 5-10 स्कोर अगर नंबर ज़्यादा लेकर आ रहे हो आप, तो अपने आप को सेफ समझिए और 40 दिन तक ऐसे ही मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कंटिन्यू रखना। ठीक है, कंटिन्यू रखोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे आप, कभी नहीं। ठीक है, आज इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।